टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ सब्जेक्ट मैथ क्लास 6 चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम। इन दिस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू एक्सरसाइज 1.1 गिवन होमवर्क एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ मेनी होमवर्क अप टू क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव सॉल्व्ड। सो आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 सी आई हैव going to solve question number 11. Question is find the difference between the number 738 and that obtained on reversing 8 digits. Well, like question is saying that if a number is given 738, अब इस number क्या करें हम reverse करके जो digit मिलता है उसका difference आपको क्या करना है पता करना है. So in this question given number is what? The given number is 738. Question number 11. Question 11. In this question, given number is what is given number? Given number is 738. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑब्टेंड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स फाइंड द डिफरेंस व्हेन ऑब्टेंड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स. तो व्हाट वी राइट ऑन रिवर्सिंग द डिजिट ऑन रिवर्सिंग रिवर्सिंग मतलब होता है क्या उल्टा करना. तो रिवर्सिंग डिजिट इस डिजिट को क्या करना है आपको उल्टा करना है. तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 837 837. तो गिवन नंबर आपका क्या हो गया 738 रिवर्सिंग डिजिट 837 उल्टा करने पे उस नंबर को. अब बोला इन दोनों का क्या करिए आप डिफरेंस फाइंड करिए. तो डिफरेंस करना है तो क्या करना है यू हैव टू फाइंड डिफरेंस डायरेक्टली माइनस कर देंगे डिफरेंस difference is equal to 837 minus 738 837 minus 738 minus करेंगे क्या आएगा 99. this is answer on reversing the digit minus 99. question number so इस question पे इस तरह करना है copy कर लीजिए. question number 12 what is question number 12? question number 12 is that what comes just after 9547999 what comes just after bola hai ki is question mein bola hai ki 9547999 ke baad kya aayega. is question mein aapko kuch karna nahi hai bas ye karna hai the number just after so to write the number after 9547999. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस नंबर के बाद क्या आएगा व्हाट कम जस्ट आफ्टर 9457799. इसमें कुछ करना नहीं है आपको बस ये सिंपली करना है 9547999 इसमें आपको 1 ऐड कर देना है. व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू डू ओनली ऐड 1 इन लास्ट. एक को क्या करना है आपको इसके लास्ट में ऐड कर देना. तो ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आंसर इज इक्वल टू सिंपली आंसर इज इक्वल टू ऐड करके देखिए क्या आएगा. यू सिंपली ऐड दिस ऑल ऐड कर लिए व्हाट आंसर ऐड करने पे क्या आएगा आंसर इज 9547999
फोर एट, कितने जीरो होंगे, 9548 डबल जीरो एंड वन एक्स्ट्रा जीरो, दिस इज द आंसर। So this is question number 12 and this is question number 11. Now I am going to tell you question number 30. Question number 13 is saying that what comes just after 9, double 9 and this. So the number question is asking what comes just after, just before this, इससे पहले क्या आएगा, इसमें क्या पूछ रहा था, the number just after, इसमें क्या पूछ रहा था, number just before and just after, तो इसमें हमने क्या किया था, add 1 को जोड़ा था, we had add 1, in this question we have to subtract 1, so we write simply 9, we subtract 1, subtract it and tell me the answer. In this question you have to subtract 1 from this value, and in this question you have to subtract, you have to add 1 in this value, because in this question asking the number just after, इसके बाद क्या आएगा, और इसमें पूछ रहा है number just before, इससे पहले क्या आएगा, तो पहले पूछ रहा है तो इसमें क्या करना है, एक को माइनस कर देना या फिर एक को घटा देना है, सो व्हाट इज आंसर, सो कम टू द आंसर, इट्स आंसर इज 9899999 triple 9 and 29. This is the answer. Okay. Solve all this question. Question number 13. And question number 14. Question number 14. What comes just before? What comes before? इस क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट कम जस्ट बिफोर, सेम क्वेश्चन द नंबर जस्ट बिफोर, वी राइट सेम द नंबर solution, the number just before, what minus, we have to do what, we have to do minus, so what is the answer, you should calculate the answer, इसका आंसर आप अपने से करेंगे और कॉपी में कर लेंगे, this is question number 11, 12, 13 and 14, so we come on next question.